गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शेयर एकेडमी। डेट है आज 6 जून और रात के बजने वाले हैं 8। आप में से वो लोग जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिल्कुल अभी अभी, चैनल का नाम है शेयर एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स हम। और अगर ये वीडियोज़ आपको आ रहे हैं पसंद तो वीडियोज़ को कीजिए लाइक शेयर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां तक आपकी पहुंच है। और अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, शर्त सिर्फ एक है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर नहीं है, सो हम इस संबंध में आपकी किसी तरह की कोई मदद नहीं कर पाते। हम यहाँ शेयर्स को करते हैं थॉरली एनालाइज फंडामेंटल बेसिस पर और टेक्निकल बेसिस पर, उसके बाद पोजिशनल बेसिस पर बाई की रिकमेंडेशन देते हैं, जिनमें मिनिमम पोजिशंस 1 वीक और मैक्सिमम पोजिशन 1 साल या फिर उससे भी लंबे समय के लिए होती हैं। और हमारे रिटर्न के एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी अकॉर्डिंगली होते हैं। मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% होती है। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वजह यह है कि आज का ये सेशन किसी शेयर के रिकमेंडेशन के लिए नहीं, बल्कि निफ्टी में आज जो गिरावट हुई है शानदार 177 पॉइंट की, इस गिरावट का थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए और साथ ही साथ ये जानने के लिए है कि निफ्टी असल में अब कितना और गिरेगा। इस समय अगर आप YouTube पर सर्च करिए तो सबसे ज़्यादा जो सॉट आफ्टर टॉपिक चल रहा है वो यही है। हर कोई एनालिस्ट ये बताने में लगा हुआ है कि हमने पहले कहा था, हमने पहले कहा था। तो हम ये कह दें कि हमने पहले ये नहीं कहा था कि निफ्टी गिरेगा, लेकिन हम कॉशस ज़रूर थे निफ्टी के ऊपर, स्पेशली 52 वीक्स हाई के पास में आने के बाद और मार्केट के सभी सेक्टर्स में गिरावट होने के बाद। ये हमारे जो लाइव डिस्कशन, आप में से जो लोग जुड़े हुए थे हमारे उस लाइव डिस्कशन के अंदर, जितने भी बार डिस्कशन होता था उनमें हम कहते थे कि निफ्टी में कॉशस रहने की ज़रूरत है। वजह है कि केमिकल, सीमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़कर, फाइनेंशियल्स में भी सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनमें कि उज्जीवन, एडलवाइज और मोतीलाल ओसवाल एक यूटर्न के अंदर थे, बाकी सारे के सारे सेक्टर्स एक तरफ से डाउन ट्रेंड के अंदर थे। जब निफ्टी के मैक्सिमम सेक्टर्स डाउन ट्रेंड में हो, मैक्सिमम शेयर्स डाउन ट्रेंड में हो और निफ्टी एक तरफ से ऊपर की तरफ भागता जाए तो चीज़ बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतरती। और ये चीज़ हम पिछले महीने भर से कह रहे थे, इस वजह से हम शेयर्स के अंदर कॉशस होने को कह रहे थे। तो आज जहां ज़्यादातर शेयर्स डाउन ट्रेंड के अंदर और नेगेटिव रिटर्न दिखाया है, वहीं हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स जो थे उन्होंने IGL में 13% से लेकर 19% तक का प्रॉफिट बुक किया है प्रीवियस जो बाई थी, और साथ ही साथ माइथन अलॉय में पिछले एक वीक के अंदर हमने मैक्सिमम 40% और मिनिमम 15% तक का प्रॉफिट बुक किया है इन दोनों ही शेयर्स में। सो दोस्तों, आज का ये सेशन बिल्कुल छोटा सा रखे होंगे और देखेंगे कि आखिर निफ्टी के अंदर ये गिरावट जो हुई है, इस गिरावट की वजह क्या रही और साथ ही साथ निफ्टी और कितना गिर सकता है। ठीक, सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन का आंसर लेने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये निफ्टी का चार्ट है जो कि डेली कैंडलस्टिक चार्ट है। आप में से वो लोग जो टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं या फिर जो हमारे लर्न टू अर्न सीरीज़ देख रहे हैं, फ्रेंड्स हमारी लर्न टू अर्न सीरीज़ के वीडियोस हैं ये, आप में से ज़्यादातर लोग इसे देख रहे हैं, हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। सो ये उनके लिए है आज का ये सेशन। ध्यान से देखिएगा, लगातार बढ़ता हुआ निफ्टी जब 52 वीक्स हाई पर आया, उस समय 12,089 के करीब हमने बोला था, उस समय कॉशस रहने की ज़रूरत है। और स्पेशली ये जो गैप अप ओपन था, इस गैप ने सबसे ज़्यादा हमें कॉशस में डाला था। क्यों? क्योंकि ये गैप फिल नहीं हुआ था और गैप था 11,400 से लेकर 11,560 के बीच में, 590 लगभग, यानी कि 600, 11,400 से 11,600 के बीच का एक गैप था। और टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में गैप जब भी कभी किसी भी चार्ट्स पर बनते हैं तो वो गैप फिल ज़रूर होते हैं। इसका मतलब था कि निफ्टी आज नहीं तो कल निफ्टी को नीचे आना था, और वापस आने का एक रीज़न और भी था क्योंकि निफ्टी लगातार एक तरफा भागता जा रहा था बट ज़्यादातर सेक्टर्स डाउन ट्रेंड के अंदर थे। मतलब आप नाम लीजिए किसी भी सेक्टर का, फार्मा, टायर, ऑटो, ऑटो इंसिलरीज, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, पावर, बैंकिंग, लेदर, बियरिंग, लिकर, सारे के सारे सेक्टर्स। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी और यही वो जगह है फ्रेंड्स जहां पर होता है निफ्टी का मैनेजमेंट। ठीक है, जो ये सेंसेक्स और निफ्टी है इनका मैनेजमेंट होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी के शेयर्स को आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से आपको देखते हुए लगता है कि पूरी मार्केट बढ़ रही है जबकि पूरी मार्केट नहीं बढ़ रही होती थी। आप हमारे वीडियोस देखिएगा, हमारे लाइव डिस्कशंस देखिएगा जहां हम कह रहे थे पिछले महीने भर से ज़्यादा से कि निफ्टी में बहुत कॉशस होने की ज़रूरत है, मार्केट के अंदर डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, हमारे शब्द यही थे। तो अब सवाल ये कि आगे आने वाले समय में निफ्टी और कितना गिर सकता है, और हमारी एक्सपेक्टेशन निफ्टी से जो है फ्रेंड्स वो है कि जो ये गैप है, यानी सबसे पहला सपोर्ट गिरते हुए निफ्टी को मिलेगा 11,500 के पास में। अगर चार्ट्स एनालाइज करते हैं फ्रेंड्स तो जो आज का ये इनगल्फिंग बार बनी है, बियरिश इनगल्फिंग बार, इसने देखिए पिछले करीब 5 या 6 दिनों का जो मूवमेंट था उस पूरे को एक साथ इनगल्फ किया है। इसका मतलब कि जो गिरावट है वो गिरावट और गहराएगी, और साथ ही साथ जो ये गैप है सबसे ज़्यादा कंसर्न यही है।
ये गैप भरने के लिए निफ्टी को 11,400 के लेवल पर आना पड़ेगा, और हमारे लिए कंसर्न वही है, निफ्टी 11,400 के लेवल तक आना। बट उससे पहले निफ्टी एक बार 11,600 के पास में आकर थोड़ा सा ब्रीदर लेगा। बट क्या ये चीज़ कन्फर्म हो रही है सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखकर? जी नहीं, इसके लिए करते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। और ध्यान से देखिएगा, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस है, ये आपको एनएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। 27 जून तक का, यानी इस महीने के लास्ट तक का जो एक्सपायरी डेट है, वहाँ तक का हम निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ऑप्शन जो है ओपन इंटरेस्ट, इसको एक बार एनालाइज करेंगे। आप में से वो लोग जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं फ्रेंड्स, हमने अभी तक ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स को डिस्कस नहीं किया है आपके साथ में, इसलिए शायद आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो। बट आपके सामने हम इस स्क्रीन को ला रहे हैं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि अभी हम आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं, पहले टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए, देन फंडामेंटल एनालिसिस सिखाएंगे, देन फ्यूचर्स, और उसके बाद सबसे लास्ट में ऑप्शंस में जाएंगे। बट ये इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, ये आपके लिए थोड़ी सी ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है? 12,000 से निफ्टी गिरना शुरू करता है, और ज़रा ध्यान से देखिए कि 12,000 की कॉल पर 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खुला हुआ है। इसका मतलब क्या था कि कॉल राइटिंग बहुत दबाकर हुई है 12,000 पर, 12,000 की कॉल्स कस के बेची गई हैं। इसकी वजह से लोग 12,000 की कॉल खरीदते रहे, ऊपर तक आते रहे, मार्केट को ऊपर लेके आया गया ताकि 12,000 की कॉल ज़्यादा से ज़्यादा बिक सकें। 12,000 की कॉल बिकी, जिन लोगों ने 12,000 की कॉल खरीदी वो ट्रैप हुए। ये था जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो कैसे फंसाते हैं रिटेल इन्वेस्टर को। ऐसे उन्हें पता था कि शेयर यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तो 12,000 पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 18 लाख शेयरों का। इसका मतलब है कि मार्केट 12,000 से ऊपर नहीं जाएगी, पहला नियम। दूसरा, ज़रा पुट साइड में ध्यान से देखिए कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है। 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है पुट में 11,500 पर। इस वजह से हम कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिरना शुरू होगा। 11,800 जब टूटेगा तो जो ये 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है ना, ये यहाँ से कटने शुरू होंगी पोजीशंस। ज़रा ध्यान से देखिए कि पुट साइड में आज ओपन इंटरेस्ट कटे हैं। इसका मतलब क्या है कि पोजीशंस कवर की गई हैं। जिन लोगों ने पुट्स बेच रखे थे उन्होंने धीरे धीरे पोजीशंस कवर की, और जब पोजीशंस कवर हो रही हैं तो निफ्टी धीरे धीरे और नीचे जाएगा। 18,27,000 के करीब ओपन इंटरेस्ट खुला हुआ है 11,800 के लेवल पर। यानी एक बार 11,800 जब टूटेगा तो उसके बाद ये पोजीशंस भी कवर की जाएंगी, निफ्टी और तेज़ी से नीचे जाएगा। जो सबसे लास्ट निफ्टी का सपोर्ट रहेगा वो होगा 11,500 का, और 11,500 के पास में है 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट। ये आएगा निफ्टी का सपोर्ट लेवल मेजर। और 11,500 अगर निफ्टी का सपोर्ट लेवल टूटा तो उसके बाद फिर जो हमने बताया है कि टेक्निकल बेसिस पर जो दिख रहा है सामने कि 11,400 का लेवल। बट फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर है। मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। 29 के पी पर निफ्टी इस समय चल रहा है, जो बहुत महंगा है निफ्टी के लिहाज से। 23 और 17 के पी पर निफ्टी होता तब ये वैल्यूएशंस इसकी फेयर होती। IIFL का जो केस है करंटली, उसकी वजह से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी मौजूद नहीं है, पैसा मौजूद नहीं है, और किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए सबसे पहले इकॉनमी का जो सबसे पहला ट्रिगर है वो है पैसा, और लिक्विडिटी ही मौजूद नहीं है। उसके बाद जो आज RBI ने 25 बेसिस पॉइंट सिर्फ रेट कट किया है वो पहले ही मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया था, और उसी की वजह से मार्केट 100 पॉइंट हर दिन बढ़ रहा था और 12,090 के करीब मार्केट पहुंच चुका था। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, जिसे ध्यान से देखिए। इससे पहले के हमारे वीडियो में हमने बताया था, ये वीडियो 4 फरवरी को अपलोड हुआ था, जिसमें हमने कहा था कि ADAG ग्रुप के शेयरों से दूर रहिए। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल, ये 4 शेयर थे जिनसे हमने दूर रहने के लिए कहा था उस समय। और लोग बहुत नाराज़ हुए थे इस वीडियो पर, हमें 6 डिसलाइक्स मिले थे। ये आज तक का शेयर अकेडमी का वो वीडियो है जिस पर सबसे ज़्यादा डिसलाइक्स मिले हैं शेयर अकेडमी को, 6। और उसके बाद ज़रा आज गिरने वाले शेयरों को देखिए। ये फ्यूचर की लिस्ट है निफ्टी की। सबसे ज़्यादा जो शेयर गिरे हैं उनमें DHFL, जिसे हम हमेशा से अपनी अवॉइड लिस्ट में डाल रहे हैं, सेकेंड रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल, दो मेजर हैं जो लगातार गिर रहे हैं। अब बताइए कि नॉलेज को अगर आप इम्बाइब नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ठीक, PC ज्वेलर्स, वक्रांगी, इन सबको हमेशा अवॉइड रखा है। जेट एयरवेज देखिए, आज गिरने वालों में जेट एयरवेज 9.5% है, और आप में से ज़्यादातर लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें याद होगा कि जेट एयरवेज पर हम हमेशा से नेगेटिव कॉल रखते थे, और उसके बाद आगाह करने के लिए आपको जेट एयरवेज पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाकर भी डाला था कि जेट एयरवेज से क्यों रहे दूर। ये था शेयर फ्रेंड्स, बस अभी लेकर आते हैं आपके लिए। आइडिया से दूर रहने के लिए कहा था हमने,
और जेट एयरवेज से दूर रहने के लिए कहा था। घाटे का ये ट्रैप है जेट एयरवेज, ठीक। और वही हुआ आज, जब मार्केट गिरनी शुरू हुई है तो ये सारे शेयर्स भयानक तरीके से गिरेंगे। सो इस वजह से इन शेयरों से दूर रहना है। अब सवाल यह है कि अब हमें क्या करना चाहिए? जो निफ्टी की गिरावट है इससे आप बच नहीं सकते हैं, ठीक। आपके पास में अगर स्ट्रांग शेयर्स हैं तो उन्हें होल्ड करके रखिए। फ्रेंड्स, अब वो समय है जिस चीज़ से हम हमेशा दूर रहते थे, उस चीज़ को अब करने का, क्या हेजिंग करने का समय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आगे की इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं आपको। शेयर एकेडमी ने हमेशा ही आपको ऑप्शन से और फ्यूचर से दूर रखा है। उसकी वजह क्या है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का इस्तेमाल होता है हेजिंग करने के लिए। हेजिंग करने का मतलब क्या है कि जब आपके पोर्टफोलियो में नुकसान होने की संभावना है तो उस नुकसान से बचने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं कि जब गिरती मार्केट में आपको फायदा होता है। इसलिए आपको करना क्या है, 10,000 या 20,000 रुपये का इस्तेमाल करना है पुट ऑप्शंस खरीदने के लिए। निफ्टी का 27 जून का 11,600 का 11,800 का पुट ऑप्शन बाई करना है आपको, जो करेंटली 123 रुपये और 68 रुपये पर मिल रहा है। दोबारा ध्यान से सुनिए, निफ्टी का 27 जून का पुट ऑप्शन बाय करना है। अब इसमें पुट ऑप्शन में आप कोई भी बाय कर लीजिए, 11,800 का, 11,700 का, 11,600 का, 11,500 का, कोई भी पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। होगा क्या, मार्केट की गिरावट में पुट ऑप्शन का रेट बढ़ेगा। जब पुट का रेट बढ़ता है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये जो पुट है यहां से आपको डबल पर मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में जो लॉस होगा उस लॉस की रिकवरी आपको यहां पुट ऑप्शन से मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो लाइव सेशन के दौरान आप हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट डालिए और बताइए कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई कि आपको क्या करना है, हम आपको दोबारा बता देते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, निफ्टी का 27 जून का पुट ऑप्शन खरीदना है और स्ट्राइक रेट क्या होगा उसका, 11,600, 11,500, 11,700, 11,800, 11,400, किसी का भी। सबसे बेहतर होगा आपके लिए 11,600 का पुट ऑप्शन खरीदना। तो एक या दो पुट खरीद लीजिए, आपको टोटल कॉस्ट करीब ये 75 शेयर्स के आसपास में होती है, तो 7×42 करीब 5,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। तो 10,000 या 15,000 रुपये पुट ऑप्शन में लगा दीजिए और 2 वीक तक अपने पास में रखिए। आपकी बहुत सारी जो लॉस है मेन पोर्टफोलियो का वो यहाँ से कवर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हेजिंग, और ऑप्शंस हमेशा हेजिंग के लिए ही बने थे फ्रेंड्स। ये है मार्केट का सही डिसिप्लिन। ऑप्शंस को इस्तेमाल करने का समय अब है। पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल ऑप्शंस के अंदर खेल नहीं होता है। उसमें बड़ा पैसा हमेशा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बनाते हैं, रिटेल निवेशक हमेशा उसमें पैसा गंवाते हैं। इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और आज हम जो अपनी रेगुलर सलाह थी उस सलाह से लाइन क्रॉस करके आगे जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि करंट मार्केट के हिसाब से सही सलाह क्या है। ये तो हो गया सबसे पहला काम। दूसरा काम, गिरती मार्केट से घबराना नहीं है तब जबकि आप शेयर अकेडमी के साथ हैं और आपने वो शेयर्स खरीद रखे हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, आपके साथ में शेयर किए हैं, साथ ही साथ जिनमें हमने फंडामेंटली एनालाइज करके जो शेयर्स हम आपके सामने लाए हैं, जैसे कि कैपेसाइट, आईजीएल, एडीएफ फूड, केपीआर मिल, ग्रूवेल, ये सारे के सारे वो शेयर्स हैं जिन्हें आपने अगर खरीदा है किसी भी लेवल पर तो घबराना नहीं है, इसे होल्ड करके रखना है अपने पोर्टफोलियो में। एडवांस एंजाइम, वर्धमान टेक्सटाइल, क्योंकि सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स हैं। थोड़ी बहुत गिरावट होगी इस मार्केट के अंदर, बट पैनिक नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। फ्रेश खरीदारी कोई भी नहीं करनी है, एवरेजिंग कोई भी नहीं करनी है। अगर बाइंग करनी है किसी भी तरह की तो पुट बाई करना है निफ्टी का 11,600 की स्ट्राइक प्राइस का 27 जून का, और 2 लॉट या 3 लॉट बाई कर लीजिए 10,000 या 15,000 का इनपुट कॉस्ट लगाकर, और आपको 2-3 वीक के अंदर तकरीबन ये यहाँ से डबल हो जाएगा। तो आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल जाएगा। जो आपके पोर्टफोलियो का लॉस है वो लॉस इससे रिकवर होगा, एंड दिस इज कॉल्ड हेजिंग। एक्चुअली जो ऑप्शंस हैं वो इसी पर्पस के लिए बने थे, अब ये बिल्कुल सही टाइम है सही काम करने का, ठीक। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप सीधे फ्यूचर्स में जाकर और फ्यूचर्स में आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं किसी भी शेयर को, बट वो हम सलाह नहीं देंगे। करेंटली मार्केट जितना ज़्यादा वॉलेटाइल है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर्स के बजाय ऑप्शंस में ट्रेड करना। आप अगर बिजनेस चैनल्स इस समय देखेंगे तो जो बिल्कुल समझदार निवेशक हैं इस समय जो आते हैं, फंडामेंटली जो बहुत ही बढ़िया लोग हैं, जैसे कि आशु मदान सर हैं, वो बताते हैं कि निफ्टी की जब वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस समय आपको बजाय ऑप्शंस के, आपको बजाय फ्यूचर्स के, आपको ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर रिस्क कम है और रिटर्न ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 2 क्वेश्चन कि करंट गिरावट में आपको क्या करना चाहिए और भविष्य में अब आपको क्या करना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो भविष्य है कि 11,400 तक के लिए अपना कैश बचा कर रखिए। जितना भी आपको किसी भी शेयर में प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट निकाल लीजिए। एवरेज मत कीजिए, फ्रेश बाय मत कीजिए,
जितने शेयर्स हमने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, इन सारे शेयर्स को आप अपनी डायरी मेंटेन करते रहिए, उनमें लिख कर रखिए। जैसे ही मार्केट के अंदर यू टर्न आएगा और जब सेक्टर में यू टर्न आएगा, जिस जिस सेक्टर में, शेयर एकेडमी के माध्यम से आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेगी, इससे पहले कि जैसे हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं सीमेंट सेक्टर के अंतर्गत, फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत और इन दोनों के अलावा केमिकल सेक्टर के अंतर्गत भी हमने आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन दी और हमने टाइमली प्रॉफिट भी बुक किया। सो फ्रेंड्स, ये है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर का एक डिसिप्लिन जिसे आपको करना है मेंटेन करंट मार्केट में। इस समय बहुत सारे र्यूमर्स आपको सुनाई देंगे मार्केट के अंदर, कोई बोलेगा कुछ खरीदने के लिए, कोई बोलेगा कुछ खरीदने के लिए, हर कोई ये कहेगा कि भाई हमने कहा था, हमने कहा था, हमने पहले आगाह किया था, हमने पहले आगाह किया था। वेल एंड गुड, सुनिए सबकी और करिए वो जो सही है। जब टाइड्स बहुत ज़्यादा हाई हो उस समय होल्ड करके रखिए अपने शिप को, ठीक, अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखिए। और मार्केट है नॉलेज पर चलने वाली, डाटा एनालिसिस और अपना नॉलेज हमेशा स्ट्रांग रखिए। र्यूमर्स पर कभी भी कोई डिसीजन मत लीजिए। फ्रेश खरीदारी या बिकवाली या एवरेजिंग करनी है अगर, तो हमारे लाइव सेशन से जुड़े रहिए, बिना सलाह के कोई भी कार्रवाई मत कीजिए। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बुरे वक्त में ही सबसे अच्छे शेयर्स हम ढूंढ कर लाते हैं। तो जितना बुरा वक्त आ रहा है, निफ्टी जितना नीचे गिर रहा है ना, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। क्यों? हम लोग 2-3 महीने के लिए मार्केट के अंदर नहीं है कि निफ्टी नीचे गिरा और हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हम मार्केट में हैं इटर्नल टाइम के लिए और मिनिमम अगले 5 सालों के लिए। तो मार्केट जितना नीचे गिरता है, उतने सस्ते वैल्यूएशंस पर हमें उतने अच्छे शेयर्स अवेलेबल होंगे। और जितने सस्ते वैल्यूएशंस पर अच्छे शेयर्स अवेलेबल होंगे, तो आप सबने देखा कि इस निफ्टी ने 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस वो झेल गया, जो वर्ल्ड ओवर रिसेशन था। 2012 का टाइम भी हमने झेल लिया, 2015 भी झेल लिया, बालाकोट पे जिस समय हमला हुआ एक दिन के अंदर निफ्टी 1.5% डाउन हो गया, हम वो भी झेल गए। अंत में निफ्टी को जाना ऊपर ही है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इन्फॉर्म्ड होने की, नॉलेज अपने पास रखने की और सही शेयर चुनने की और अपनी गट फीलिंग को पकड़ के रखने की। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का जो ये सेशन है और जो इसके अंदर हमने नॉलेज शेयर किया है आपके साथ में, वो आपको न केवल पसंद आएगा बल्कि आपके लिए प्रॉफिटेबल भी होगा। अगर ऐसा है और आपको लग रहा है कि शेयर एकेडमी की टीम मेहनत कर रही है, हमारे मॉडरेटर्स और हमारे जो एनालाइजर्स हैं ये सारे मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से और आपके लिए प्रॉफिटेबल हो रहा है ये सेशन, तो काइंडली वीडियोस को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर आ रहे लेफ्ट साइड पर इस पेटीएम नंबर पर हमें अपनी हेल्प भी दे सकते हैं। आप चाहें तो सेम नंबर पर गूगल पे का इस्तेमाल करके भी आप डोनेट कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आज का ये सेशन आपको पसंद आएगा और पसंद आने से भी ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।